नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट रुदीप टक्कर, और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स में। कनाडा में तेज रफ्तार से हो रही है नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की प्रक्रिया। हाल ही में बदले गए कनाडा के नागरिकता कानून के अनुसार अब प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप प्राप्त करने में लगने वाला समय घटकर 3 महीने रह गया है। कनाडा में पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया में बदलाव। कनाडा की सरकार ने हाल ही में वर्क परमिट प्रक्रिया से जुड़े कुछ बदलाव की घोषणा की है, जिसमें सबसे अहम बदलाव है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि LMIA। LMIA एक दस्तावेज होता है जो बताता है कि किसी भी विदेशी नागरिक को नौकरी पर रखने से कनाडा के लोगों को रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे। पहले ये दस्तावेज 1 साल के लिए वैलिड होता था, अब इसकी वैलिडिटी घटाकर 6 महीने कर दी गई है। कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस ने जारी किए आमंत्रण। मैनिटोबा प्रोविंस ने हाल ही में मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि MPNP के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह उन स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में रहने और काम करने की इच्छा रखते हैं। अक्टूबर 2024 से कनाडा के ओंटारियो में मिनिमम वेज रेट में होगी बढ़ोतरी। ओंटारियो में फिलहाल मिनिमम वेज रेट की अगर हम बात करते हैं तो पर आवर के हिसाब से 16.55 कैनेडियन डॉलर मिल रहे हैं, जो कि October 1, 2024 से यह धनराशि बढ़कर 17.20 कैनेडियन डॉलर पर आवर हो जाएगी। यह वृद्धि ओंटारियो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी, टॉफल स्कोर अब सभी वीजा के लिए मान्य। 5 मई 2024 को या उसके बाद ली गई टॉफल परीक्षा का स्कोर ऑस्ट्रेलिया वीजा आवेदनों के लिए मान्य होगा। इसका मतलब है कि भारतीय स्टूडेंट अब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा सहित सभी प्रकार के वीजा के लिए आवेदन करते समय अपने टॉफल स्कोर को जमा कर सकते। यूएसए में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, टॉफल इंडिया चैंपियनशिप का शुभारंभ। ये चैंपियनशिप उन भारतीय स्टूडेंट्स के लिए है जो विदेश में अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स को 20 मिनट का ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि उसमें कुल मिलाकर 15 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए आवश्यक मिनिमम सेविंग अमाउंट में फिर से बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए आवश्यक मिनिमम सेविंग अमाउंट में फिर से वृद्धि कर दी है। यह पिछले 7 महीनों में दूसरी वृद्धि है। अब स्टूडेंट को अगर पढ़ाई करने के लिए जाना है तो 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आवश्यकता रहेगी, जो कि पहले 21,045 यानी कि 21,045 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ करती थी। आज गुजरात बोर्ड के 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है। kanan.co की पूरी टीम की ओर से 12th के सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी बधाइयां। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूके में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपके लिए हमने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया है, और इस खास कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान है मिस प्रियंका पटेल। सो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट किया है और वो जल्द से जल्द अपना करियर यूके में बनाना चाहते हैं, जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या विकल्प यूके में अवेलेबल है? ओके, तो आज मैं आपको यूके रिलेटेड बताऊंगी कि अगर जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है, एज सून एज पॉसिबल अगर उनको इनटेक क्लियर करना है, द नेक्स्ट इनटेक है उनका September 2024, तो यूके में गुड न्यूज ये है कि उनको आईएलटीएस या पीटीई एग्जाम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आपके 70 प्लस मार्क्स है तो यू डोंट नीड आईएलटीएस, आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए प्रोसेस करके वी यू कैन ऑप्ट सक्सेसफुल वीजा। तो जिसके भी इंग्लिश में 12th गुजरात बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, 65-70 प्लस मार्क्स है तो वो सीधे एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मोर डिटेल्स के लिए यू हैव टू विजिट kanan.co and we will guide you for further। वैसे मैम, रिजल्ट आज का बहुत ही अच्छा आया right. है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाए हैं, राइट right. तो ऐसे स्टूडेंट को अगर हम यूके पढ़ाई करने के लिए भेजना है जो कि 12th में फेल हो चुके हैं, राइट right. तो उनके लिए हमारे पास क्या रास्ता है? उनके लिए भी हमारे पास एक गुड न्यूज है। जैसे अगर आपका 12th फेल है तो आपको रीअटेम्प्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
आपको यूके में आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये तीनों की तीनों फील्ड में 4 इयर्स का बैचलर डिग्री आप डायरेक्टली ऑप्ट कर सकते हो। वी डोंट नीड एनी अगेन री एग्जाम फॉर 12th। इसके रिगार्डिंग मोर डिटेल्स के लिए आप हमको विजिट कीजिए canon.co को। 12th के फेल के रिजल्ट पे आप 4 इयर्स के बैचलर्स में कैसे एंट्री ले सकते हो विद 100% ग्रांट ऑफ वीजा, वी विल गाइड यू। ग्रेट, मतलब 12th में जो फेल हुए हैं, हाँ, उनके लिए इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी है जो उन्हें बैचलर्स डिग्री में एडमिशन नहीं देगी, लेकिन यूके की यूनिवर्सिटी में वो बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं वो लोग। उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे जनरली 4 इयर्स, 3 इयर्स की बैचलर डिग्री सब जगह होती है यूके में, बट अगर आपका 12th में री अटेम्प्ट है या आप फेल हो, आपको फिर से एग्जाम नहीं देनी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 11th आपको 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री में एडमिशन भी मिल सकता है, सक्सेसफुली वीजा भी होते हैं, और वो 100% बैचलर डिग्री आएगी। जैसे बीएससी की डिग्री हो गई, बीए की डिग्री हो गई, बीकॉम की डिग्री हो गई, डिग्री ही आपको मिलेगा 4 इयर्स का बैचलर डिग्री। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम विद अस। सो आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से, चाहे आप पास हो या फेल, लेकिन आप यूके में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास अभी स्टडी अब्रॉड से जुड़ी कोई न्यूज है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट।